तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अन्नामैया में की जनसभा, बोले आंध्र प्रदेश के विकास के लिए इंजन सरकार लानी होगी। वाईएसआर कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी ने साधा निशाना, कहा आंध्र की जनता ने वाईएसआर कांग्रेस की भी सरकार बनाई, इन्होंने गरीबों का नहीं माफियाओं का विकास किया। वाईएसआर कांग्रेस ने यहां गरीबों का नहीं माफिया का विकास किया। वाईएसआर कांग्रेस के मंत्री कैसे यहां गुंडागर्दी करते हैं, यहां राउडी राज चलाते हैं। पीएम ने कहा राष्ट्र निर्माण के मिशन पर निकला है मोदी। कांग्रेस की सोच विभाजनकारी, देश को रिवर्स गियर में ले जाना चाहती है कांग्रेस। मोदी नेशन बिल्डिंग के मिशन पर निकला है, देश को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन कांग्रेस देश को रिवर्स गियर में ले जाना चाहती है। आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। तेलंगाना के करीमनगर में श्री राज राजेश्वर स्वामी मंदिर में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, विधि विधान के साथ की यहां पर पूजा। पीएम मोदी के मंदिर परिसर में पहुंचने पर लोगों में दिखाई दिया उत्साह, लोगों ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में की गाय की सेवा, पुजारियों से लिया आशीर्वाद। पूजा पाठ के बाद पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को एड्रेस किया, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। करीमनगर में रैली के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर उठाया सवाल, कहा अडानी अंबानी से कितना माल उठाया, क्यों गाली देना किया, कर दिया बंद। जरा इस साझा ने घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। तेलंगाना के वारंगल में भी पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को एड्रेस किया, बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया कटाक्ष, बोले कांग्रेस के लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर खोज रहे अपनी सीट। दूसरा, कांग्रेस के लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर अपनी सीटें खोज रहे हैं। 13 मई को काशी के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, 14 मई को कर सकते हैं नामांकन, 14 मई को गंगा सप्तमी का शुभ योग। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री मोदी आस्था बाबा विश्वनाथ का करेंगे दर्शन, बाबा काल भैरव और मां गंगा का आशीर्वाद लेंगे। काशी में प्रधानमंत्री मोदी के 13 मई को करेंगे रोड शो, कार्यकर्ताओं ने शुरू की तैयारियां। पीएम मोदी लंका स्थित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने शुरू करेंगे अपना रोड शो, करीब 5 से 8 किलोमीटर तक चलेगा रोड शो। पीएम मोदी के रोड शो में कई जगहों पर की जाएगी पुष्प वर्षा, बनारस की परंपरा के अनुरूप पारंपरिक वेशभूषा में कार्यकर्ताओं का अभिवादन करेंगे पीएम। यूपी में गृहमंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ जनसभाएं, हरदोई में मिश्रित की जनसभा को निमंत्रण, कहा 6 जून को 400 लड्डू लेकर दिल्ली आना। कन्नौज में गृहमंत्री अमित शाह ने एसपी पर साधा निशाना, बोले सालों तक मुलायम सिंह के परिवार को वोट दिया, जो यहां ना तो जीतने आता है ना ही हारने पर आता है। लखीमपुर खीरी में गृहमंत्री अमित शाह की रैली, पहले सिर्फ रमजान में 24 घंटे बिजली आती थी, अब होली दीपावली में आने लगी। रमजान में 24 घंटा बिजली आ जाती थी, अब होली दीपावली के दिन 24 घंटा बिजली देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गृहमंत्री अमित शाह ने बीजेपी की जीत का दावा किया, बोले 400 सीटों के लिए मजबूती से आगे बढ़ रही बीजेपी प्लस एनडीए। पूरी से बीजेपी प्रत्याशी संबित पात्रा ने बानपुर में किया रोड शो, भारी संख्या में जुटे बीजेपी समर्थकों का उत्साह। बीजेपी प्रत्याशी संबित पात्रा ने कहा ओडिशा को मिला गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ, ओडिशा की किसकी किस लोकसभा सीटें जीतेगी बीजेपी। ओडिशा के देवघर में बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान ने गाजे बाजे के साथ की पदयात्रा, बीजेपी का झंडा लहराते दिखे कार्यकर्ता। एमपी के झाबुआ में सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो, कहा कांग्रेस बिना इंजन की रेल, सिर्फ पटरी पर डब्बा खड़ा, ऐसे रेल में बैठने का क्या फायदा।
मुर्शिदाबाद में टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने रोड शो किया। बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र से टीएमसी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील। नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी ने किया भव्य रोड शो, लोगों ने पुष्प वर्षा की। तेलंगाना में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने किया रोड शो, लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण कुमार के लिए मांगा वोट। रायबरेली में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी के बड़े उद्योगपतियों के साथ सांठगांठ। कांग्रेस नेता प्रियंका ने बीजेपी को घेरा, बोली प्रधानमंत्री मोदी ने आपको 5 किलो का राशन पकड़ा दिया लेकिन आपको इससे रोजगार नहीं मिलता है। पीएम मोदी के बयान को लेकर बोली प्रियंका गांधी, कहा प्रधानमंत्री मोदी 2-4 दिनों से दे रहे सफाई, मेरे भाई को शहजादे कहते हैं, खुद शहनशाह हैं। ओडिशा के रायगढ़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा, बोले किसी धर्म की माता बेटी बहन के साथ अत्याचार के खिलाफ खड़ी रहेगी बीजेपी। कानपुर में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, बोले एक तरफ मोदी जी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने में लगे हैं तो वहीं रामद्रोही आपस में लड़ने के काम में लगे हैं। यूपी के एटा में सीएम योगी की जनसभा का कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन, सुरक्षा में सेन लगाने वाला गठबंधन। लोकसभा चुनाव के बीच में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री प्रकाश जायसवाल के भाई प्रमोद जायसवाल ने ज्वाइन की बीजेपी। दरभंगा के डिलाही में शाहनवाज हुसैन और चिराग पासवान ने चुनावी जनसभा को एड्रेस किया, बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, बोले हम गांधी के हिंदुस्तान में शामिल हुए थे, मोदी के हिंदुस्तान में नहीं। जब आजाद हुआ तो गांधी था और हम गांधी के हिंदुस्तान में शामिल हुए, मोदी के हिंदुस्तान में नहीं हुए। फारूक अब्दुल्ला ने देश के मुसलमानों को खतरे में बताया, बोले पकड़ लेते हैं और दाढ़ी काट देते हैं, जय श्री राम बोलने को कहते हैं। स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले ये लोग सरकार में आए तो संविधान के खिलाफ धर्म के आधार पर मुसलमानों को देंगे आरक्षण। राहुल गांधी और इंडिया अलायंस की मंशा यही है कि वो धर्म के नाम पर मुस्लिम समाज के लिए आरक्षण करेंगे, ये राहुल गांधी का मंतव्य है, यही इंडिया अलायंस की कोशिश है। मुस्लिम आरक्षण को लेकर बोले तेजस्वी यादव, कहा हमने तो सभी का आरक्षण बढ़ाने का काम किया। 70% आरक्षण की सीमा बढ़ा दी, जो किए हैं वो तो दिखाओ और उसमें सबका बढ़ा आरक्षण, तो हम लोगों ने तो आरक्षण बढ़ाया है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, बोले मोदी तो पीरजादे हैं, सिर्फ झूठ बोलते रहते हैं। बद्रुद्दीन अजमल ने मुस्लिम आरक्षण पर लालू के बयान का किया समर्थन, कहा सबको आरक्षण मिला लेकिन हमें नहीं मिला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा जब तक बीजेपी है तब तक ओबीसी एसटी और एसटी के आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लगाया बड़ा आरोप, बोली यूपी में अल्पसंख्यकों को नहीं डालने दिया जा रहा वोट। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, बोले आदर्श आचार संहिता को मोदी आचार संहिता में बदल दिया गया। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने भी चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया, कहा यादव और अल्पसंख्यकों को लाठी मारकर भगा दिया गया। समाजवादी पार्टी ने डिंपल आदित्य यादव की जीत का दिया दावा, बोले इतनी क्रूरता होने के बाद भी जीत तय। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने भी प्रशासन पर लगाया आरोप, कहा पुलिस ने लोगों को वोट डालने से रोक दिया। लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी ने फूंका चुनावी बिगुल, अनंतनाग में प्रत्याशी जफर मनहास ने किया रोड शो। आंध्र प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, लोकसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगा समर्थन। लोकसभा चुनाव के बीच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव ने उज्जैन में निकाला रोड शो, लोगों से बीजेपी के लिए मांगा वोट। ओडिशा के संबलपुर में परिवर्तन संदेश रैली का आयोजन हुआ, लोकसभा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने रैली की। हैदराबाद में लेट्स वोट कैंपेन म्यूजिक कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया, लोग यहां पर पहुंचे। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर शुक्रवार को आ सकता है फैसला, गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़े मुख्य मामले पर उसी दिन होगी सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं, जवाब दाखिल करने के लिए सीबीआई ईडी को मिला 4 दिन का वक्त। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस में एचडी रेवन्ना की बढ़ी मुश्किलें, 14 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा।
बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, औरंगाबाद का नाम अब संभाजी नगर। सीएम शिंदे बोले, महाविकास अघाड़ी के लोगों ने लगाई थी विरोध में याचिका। झारखंड ग्रामीण विकास विभाग दफ्तर में ईडी की छापेमारी, मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल को पकड़ा। रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, बोले अयोध्या को लेकर दिल में आज भी वही भाव। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर रुद्रप्रयाग में की बैठक, अधिकारियों के साथ समीक्षा। चारधाम यात्रा को लेकर ऋषिकेश में फिजिकल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज से शुरू, पंजीकरण के लिए उमड़ी यात्रियों की भीड़। हरिद्वार में सुबह 5 बजे से ही पर्यटन कार्यालय में चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाने वालों का लगा तांता, 500 लोगों का हो सका पंजीकरण। चमोली में बद्रीनाथ यात्रा को लेकर लोगों और साधु संतों में गजब का उत्साह, बद्रीनाथ धाम के लिए पद यात्रा पर निकल पड़े साधु संत। मध्य प्रदेश दौरे पर फिलीपींस और श्रीलंका का 11 सदस्य डेलीगेशन, रायसेन के भीमबेटका का किया भ्रमण। बिहार के छपरा में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन की पहल, साइकिल रैली निकाली। किशनगंज में एक महिला ने एक के बाद एक 5 बेटियों को जन्म दिया, 5 बच्चे स्वस्थ। चंडीगढ़ में चुनाव प्रचार में शुरू हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां कर रही इस्तेमाल। एआई के एक्सपर्ट लोगों तक पहुंचा रहे नेताओं के वादे, जनता के रिस्पांस पर एआई के माध्यम से रखी जा रही नजर। दिल्ली एनसीआर में 1 से 2 दिनों में 40 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा, 10 से 12 मई तक शाम के वक्त हो सकती है हल्की बारिश। फतेहपुर में 43 डिग्री के पार पहुंचा पारा, गर्मी से लोग परेशान हुए। पटना में पुराने म्यूजियम में लगी आग, घंटों की मेहनत के बाद 25 दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। शुरू में गर्मी के तीखे तेवरों ने बढ़ाई आम जनमानस की मुश्किलें, हीट वेव के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। झालावाड़ में गर्मी से परेशान हुए इंसानों पशु पक्षी, कलेक्टर ने शहर में जगह जगह पक्षियों के पानी पीने की व्यवस्था की।